वेलकम टू द एसएससी पॉइंट। एसएससी पॉइंट में ये आपका लेक्चर नंबर 10 है। फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 9 में हमने कुछ जो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 3 के कुछ पार्ट्स मुझे लगा था कि बताना ज़रूरी है, उसको हमने डील किया था। लेक्चर नंबर 10 में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक का नाम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स एंडिंग विथ 1। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स एंडिंग विथ 1। फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिख रहे हैं आपको, 31 into 21, 61 into 61, 81 into 51, 91 into 71, 41 into 21, 51 into 81, 11 into 61, 21 into 81, 51 into 91, 81 into 31, एंड 41 into 61। फ्रेंड्स, इन सारे नंबर में जो सिमिलैरिटी है वह यह है कि ये जो सारे नंबर हैं वो सभी के सभी 1 से एंड हो रहे हैं। सभी के सभी 1 से एंड हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, यही इस टॉपिक की जान है, इसी पे ट्रिक सारा है। तो इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि आने वाले मैथमेटिकल ऑपरेशन में जब भी हम अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, तो अगर इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है तो हम कन्वेंशनल मेथड से ना करके जो मोस्ट ईजीएस्ट मेथड है उसका उपयोग करेंगे। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 31 into 21। तो 31 into 21 को अगर हम कन्वेंशनल मेथड से करने जाएं, जो हमें सिखाया गया है स्कूल में, तो होगा 1 into 1, 1 into 3, 3 3, 2 into 2, 2 3 6, 1 3 2 5, 651। ओके, लेकिन इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इसको ईजीएस्ट वे में कैसे लाना है। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे है हमारे सामने 31 into 21, दोनों 1 से एंड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी नंबर जो 2 डिजिट का हो, ठीक है, और 1 से एंड करता हो, तो हम कैसे करेंगे? देखो, इन दोनों को ना, ये मैंने हमेशा बताया है कि इसको LHS लो इनटू से लेफ्ट साइड, और इसको RHS लो इनटू से राइट साइड। तो LHS पे और RHS पे जो दोनों का जो टेंस प्लेस है 3 और 2, इनको फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा उसमें इनटू करेंगे, 3 into 2 6, एंड सेकेंड स्टेप होगा कि इन दोनों को ही ऐड करेंगे, 3 plus 2 5, एंड जो थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप में 1 हमेशा अपनी जगह पे रहेगा। तो टोटल कितने हो गए, 6 5 1। मान लो 21 into 11 था, ठीक है, तो 2 into 1 2, 2 plus 1 3, एंड 1। चेक कर लो, 21 into 11, 1 into 1, 1 into 2, 1 into 1, 1 into 2, 2 3 1, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम आएगी तब जब कैरी होगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 61 into 61, 61 into 61, ठीक है, 61 into 61, इसका हम आंसर लिख दें, 651 651। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 61 into 61, इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए फ्रेंड्स, हमने यही सीखा है कि ये टेंस प्लेस ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 6 into 6 36 होता है, ठीक है, रख लो, बट 6 plus 6 अगर करते हैं ना तो 12 आता है। और हमने सीखा है मैथमेटिकल ऑपरेशन में फर्स्ट लेक्चर में ही कि कभी भी ना एक बार में एक ही डिजिट लेंगे बाद में। तो 6 into 6 36 तो हम ले सकते हैं, ठीक है,
लेकिन 6 + 6 जो 12 है ना वो हम नहीं लेंगे और 36 भी नहीं लेंगे। 36 × 6 = 36 है, इसलिए 36 यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि 6 + 6 12 हो रहा है, यानी कि 2 डिजिट में आ रहा है। एडिशन जब 2 डिजिट में आएगा ना तो उसका जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो पहले वाले में ऐड होगा। तो 6 × 6 = 36 और 6 + 6 = 12, तो 12 का जो लेफ्ट हैंड साइड का जो 1 है ये 36 में ऐड होगा, तो हमारा आंसर होगा 3 7 और 2 1। 3 7 2 1 इज़ माई आंसर। देख लो चेक करके, 61 × 61, ठीक है, 1 × 1 × 6 = 36, 1 6 6 12 1 3 7 2 1, 3 7 2 1 इधर भी 3 7 2 1। ओके, तो कैसे है करना है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ लिख देते हैं 3 7 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 91 × 7 1, 91 × 7 1, इसको जल्दी से करेंगे। 9 7 = 63 हमें पता है, लेकिन 9 + 7 होता है 16, तो इसलिए यहाँ पे 63 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो क्योंकि उधर 9 9 + 7 होता है 16, तो इसलिए यहाँ पे 64 होगा और ये 6 and then 1, 6 4 6 1 इज माई आंसर। चेक कर लो, 91 × 7 1 1 1 1 9 7 7 63, देख लो चेक करके, 9 7 16 वही आएगा जो हो चुका है, सॉरी 6 4 6 1 6 4 6 1। तो अब जल्दी से हम लोग बनाएंगे कुछ क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंटू जब करेंगे, जैसे कि 9 × 7 किए तो 63 तो इंटू करके आ गया, लेकिन 9 + 7 जब कर दें ना 16 आ गया, यानी एक डिजिट से एक्स्ट्रा अगर जा रहा है तो डायरेक्ट 63 नहीं लिखेंगे, जिस तरह इसमें लिख दिए थे हम यहाँ पे 21 × 11 में 2 × 1 2 किया और 2 + 1 3 कर दिया, तो 2 2 में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें 2 + 1 किया था तो 3 आया था, एक ही डिजिट में आया था, लेकिन ये यहाँ पे 9 + 7 कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, 2 डिजिट में आ रहा है, तो इसलिए हम एक कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसलिए हमारा आंसर होगा 64 में तब्दील हो जाएगा और 6 and 1 तो एज इट इज हमेशा रहेगा। अब जल्दी से हम, आप भी मैं तो कहूँगा कि मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ, ये आप अपने कॉपी में नोट कर लो जल्दी से और उसके बाद खुद से बनाने की कोशिश करो। योर टाइम स्टार्ट नाउ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 क्वेश्चन बाकी हैं। चलिए देखते हैं। 81 × 51 है, 8 5 = 40 हमें पता है, बट 8 + 5 = 13 होता है, तो 4 1 and 3 1। चेक करना, फिर 41 × 2 1, ठीक है, 4 2 = 8 एंड 4 2 = 6, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। 4 2 = 8, 4 + 2 = 6 and 1 = 861। यहाँ पे देखो कैरी होगा 8 5 = 40, लेकिन 8 5 = 13 होता है, तो 4 1 होगा एंड 13 का 3 and 1, 4 1 3 1। 81 × ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। देन 11 × 61, तो 6 1 = 6, यहाँ पे भी दिक्कत नहीं होगा, एंड 6 + 1 = 7 1 671। फिर 21 × 81, 8 2 = 16, ठीक है, 8 2 = 16, लेकिन 8 + 2 = 10 होता है, 10 लिख नहीं सकते, एक ही डिजिट एक बार में लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 7 0 and 1। चेक कर लेना, यही आएगा। 51 × 91, 9 5 = 45, ठीक है, 9 5 = 45, चलो भाई, लेकिन 9 5 = 14 होता है, एक बार में एक ही डिजिट लेंगे, तो यहाँ पे होगा 4 6 14 का 4 and 1।
चेक करना यही आएगा। 81 इंटू 31 एट थ्री जै 24 वी नो, बट 8 प्लस 3 11 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, 11 का 1 और 1, ठीक है, 1 एज इट इज, यहाँ पे यहाँ से लेकर 1 एज इट इज। देन 41 इंटू 61 सिक्स फोर जै 24 वी नो, बट 6 4 10 होता है, इसलिए 25 हो जाएगा, 10 का 0 एंड 1, 2501। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स एंडिंग विथ 1।